दोस्तों क्या आपको पता है आपने अपने नाखूनों को ज्यादा बढ़ाया तो आपकी उंगलियां भी टेढ़ी हो सकती हैं। क्या आपको पता है हमारी छोटी छोटी गलतियों से हमारे कानों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सारी हड्डियां एक साथ टूट जाएं तो क्या होगा। और क्या आप जानते हैं मेल्स भी औरतों की तरह ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 6, दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर टाइम टेबल से तो अपने नेल्स को कट नहीं करते होंगे। जब आपको फील होता हुआ कि आपके नेल्स बड़े हो गए हैं तो आप उन्हें कट कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके नेल्स की ग्रोथ रेट क्या है और आप अगर नेल्स को ना काटें तो क्या होगा। असल में दोस्तों एक महीने में आपके नेल्स सिर्फ 3 से 4 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, यानी कि रोज आपके नेल्स लगभग 0.1 मिलीमीटर रेट से बढ़ते हैं। और आप अगर नेल्स को काटना बंद कर देंगे तो नेल्स के बढ़ने के साथ साथ गंदगी और इन्फेक्शन भी बढ़ने लगेंगे। श्रीधर शिलाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 66 सालों तक लेफ्ट हैंड के नेल्स को नहीं काटा था, इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। इन 66 सालों में इनके नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर हो गई थी, लेकिन इन 909 सेंटीमीटर नेल्स का वजन इतना बढ़ गया था कि इनके हाथ की उंगलियां टेढ़ी पड़ गई थी। और तो और इनके नेल्स के वजन से इनकी बॉडी की लेफ्ट साइड की नब्स भी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट हेयर की हेयरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। नंबर 5, वैसे तो दोस्तों बेड पर से उठने का मन तो किसी का नहीं करता, लेकिन क्या हो अगर आपको कोई 2 महीने तक बेड पर रहने के लिए $19,000 यानी कि 15 लाख रुपए दे। जी हाँ, ये चैलेंज नासा ने लोगों को दिया है, लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है ये उतना है नहीं, क्योंकि 2 महीने तक सिर्फ बेड पर रहना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ऐसा करने से ह्यूमन हाइबरनेशन भी हो सकता है। जैसे कि हार्ट रेट 150 बीट पर सेकेंड, शोल्डर हिप्स का ब्लड फ्लो रुक जाना, फैट बढ़ जाना, मेंटली इनएक्टिव हो जाना वगैरह वगैरह, और आखिर में ये आपकी जान भी ले सकता है। नंबर 4, दोस्तों हमारे कान बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं जो कि बहुत ही जल्द डैमेज हो सकते हैं, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों को म्यूजिक तेज आवाज में सुनना पसंद होगा, चाहे म्यूजिक हेडफोन में बजे या फिर स्पीकर में, लेकिन बजे तो भैया तेज आवाज में। लेकिन क्या आपको पता तेज आवाज से सुनने से आपके कानों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। असल में हमारा ईयर ड्रम एक बहुत ही थिन टिश्यू होता है जो लंबे समय तक लाउड म्यूजिक सुनने से डैमेज हो सकता है। और तो और आपकी हेयरिंग एबिलिटीज भी डैमेज हो सकती है, बल्कि कानों को साफ करने के लिए भी कानों में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं डालना चाहिए, इससे भी आपके एयर डैमेज हो सकते हैं। नंबर 3, जब आपको हिचकियां आती हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपको जरूर कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है हिचके आने का बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है। असल में दोस्तों ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल होती है जो चेस्ट कैविटी से एब्डोमल को अलग रखती है, और जब डायफ्राम इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है, और जिसकी वजह से ये हिक की आवाज आती है, इसलिए इनको हिकअप्स कहा जाता है। हिचकियां मिनिमम 2 से 3 तक या मैक्सिमम 48 घंटों तक एक्टिव रह सकती हैं, लेकिन 40 ऑस्बॉर्न एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हिकअप्स का सबसे लंबा अटैक हुआ था। 40 को 68 सालों तक लगातार हिचकियां आती रही थी, इसलिए 40 का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे लंबे वक्त तक हिचकियां लेने के नाम से भी मौजूद है। नंबर 2, मेल्स और फीमेल्स दोनों बॉडी में मेमोरी ग्लैंड होते हैं जो बॉडी के चेस्ट में लोकेटेड होते हैं, लेकिन फीमेल बॉडी में ये ग्लैंड थोड़े अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या आपको पता है मेल्स बॉडी भी मिल्क प्रोड्यूस करती है और मेल्स भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। ये बात सुनने में अजीब लगती होगी, लेकिन ये सच है। मेल्स की बॉडी में भी मिल्क डग होते हैं और कुछ मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यूज भी, जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, और इन्हीं के इम्बेलेंसेस से ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि मेल्स के मिल्क की क्वालिटी फीमेल की तरह होती होगी या नहीं। वैसे ये मिल्क प्रोड्यूसिंग मेल्स के लिए एक एबनॉर्मलिटी होती है। नंबर 1, हमारी बॉडी को सपोर्ट करने और इसको स्ट्रेट रखने में हमारी स्केलेटल की 200 की 206 हड्डियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी बॉडी की सभी हड्डियाँ एक साथ टूट जाएं तो क्या होगा। जितना ये सुनने में डरावना लगता है असल में भी उतना ही खतरनाक होता है। 2011 में एक 22 साल का लड़का एक बिल्डिंग के 9th फ्लोर से गिर गया था जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। लकीली उस लड़के की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी बॉडी की सारी हड्डियाँ टूट गई थी। 3 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद भी वो लड़का पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था और ना ही उसकी सारी हड्डियाँ वापस से रिकवर हो पाई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर ये वीडियो या फिर इनमें से कोई फैक्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय।